कि हमने एक टाइम पर घंटा कुछ करना है, मतलब क्या बोलते हैं उसको चलते ब्रेकफास्ट करने। कल अंधेरे में आए थे तो कुछ व्यू था नहीं, अभी देखिए इस घर पे रुके थे हम, इस घर का नाम ऊपर है, वो हमारा रूम है। बहुत बहुत ज़बरदस्त घर है, छोटा सा लेकिन बहुत प्यारा सा लोकेलिटी, एकदम एक कंट्री साइड है। ब्रेकफास्ट पूरे उसमें जैसे जब बुक किया था उसी में इंक्लूडेड था ब्रेकफास्ट। सो अभी ब्रेकफास्ट में है कॉर्नफ्लेक्स और केले, जूस और चाय भी रहेगा और कुछ शायद अन्य वंडे टोस्ट वोस्ट रहेगा, देखते हैं अभी। उठे हम आज टाइम पे, उठे जल्दी, उठे थोड़ा सा काम किया, फिर गए ब्रेकफास्ट। अरे यार ब्रेकफास्ट अमेजिंग है, एकदम ज़बरदस्त ब्रेकफास्ट था इधर का, स्पेशली वो ब्रेड इतना सॉफ्ट था, क्रोसेंट। उसके बाद 11 बजे हम अभी निकले आई सेंटर जाएंगे, आई सेंटर जाके पता करेंगे कि क्या क्या मस्ट सी मस्ट डू चीज़ें हैं इधर, देखते हैं आज का दिन कैसे जाता है। और शाम को हमें जिधर जाना है आज के स्टे के लिए, वो लगभग डेढ़ घंटे का डिस्टेंस है यहाँ से, तो हमारे पास काफ़ी टाइम है, हम आराम से ये टाउन एक्सप्लोर करेंगे इनवरनेस। ये इनवरनेस म्यूज़ियम एंड आर्ट गैलरी है, इधर पे बेसिकली इनवरनेस का हिस्ट्री, इनफैक्ट स्कॉटलैंड का हिस्ट्री बताया गया है। आई मीन कैसे ये आइस एज से अभी तक स्कॉटलैंड का जर्नी, अभी तक इन द सेंस मोस्टली हिस्टोरिकल चीज़ें बताई गई, छोटा है और इंफॉर्मेटिव है, आ सकते हैं। वैसे हम लोग ज़्यादा म्यूज़ियम वाले बंदे नहीं हैं, बट फिर भी क्योंकि बगल में ही था तो हमने विजिट कर लिया। चलिए अभी देखते हैं ऊपर क्या है अपने लिए। जो पीछे रिवर आप देख रहे हैं, दिस रिवर इज कॉल्ड एज नेस एंड देन दे नेम द टाउन एज इनवरनेस, तो दिस इज द मेन रीज़न। द होल टाउन इज सिचुएटेड लाइक यू नो विद इन दिस रीजन, सब इर्द गिर्द फैला हुआ है, ब्रिज
आके वादियाँ काफ़ी खूबसूरत है, दिखा रहा हूँ पीछे। बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन किया है इन्होंने। आप अगर वॉक भी करोगे तो आपको लगेगा यार मज़ा आ गया, पब्लिक भी एकदम रिलैक्स्ड है, इधर चिल मार रहा है सुबह से। तो हमने आज का लंच क्या किया, लंच में कुछ खास नहीं, मैकडी देखा उधर पे था और एक बर्गर लिया, वेज बर्गर का ऑप्शन भी था और वेज बर्गर अप्रोक्स हमें पड़ा क्लोज टू 3 pounds का, एक नॉट अ बैड डील, अच्छा प्राइस के हिसाब से, तो सर्वाइवल इट्स नॉट दैट हार्ड। ये जो पीछे देख रहे हो आप हमारे, ये दिस इज इनवरनेस कैथेड्रल, टाउन के सेंटर में ही है, ज़्यादा डिफरेंस ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, और इसे देख के इट्स क्वाइट सिमिलर लाइक ब्रिटिश मेक जैसा है, ये डेफिनेटली पुराना है और ऐसे इंडिया में भी है काफ़ी ऐसे कैथेड्रल्स। कभी कभी ऐसा लगता है जब बाहर हम देखते हैं इतना ग्रीनरी, इतना हाइजीन, मतलब लोगों का एटीट्यूड, जैसे हम कैसे घर पे हाइजीन तो रख लेते हैं लेकिन बाहर उतना केयर नहीं करते, लेकिन यहाँ पे बाहर भी बहुत हाइजीन है, तो हमें सुधरना पड़ेगा, हमें इंडिया को भी खूबसूरत बनाना पड़ेगा। हवा है यार, ये गजल तो हो रहा है। और एक चीज़ इधर का बहुत ख़ास है, स्कॉटलैंड में बारिश कभी भी होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एवर सीजन यू आर हियर इन स्कॉटलैंड, ये ऐसा बोलते हैं बारिश किसी भी वक्त आ सकता है। इनफैक्ट एक ही दिन में आपको तीनों सीजन्स के मज़े मिलेंगे, मिल सकते हैं, समर, विंटर और बारिश। बारिश तो क्या, जब से हम आए तब से कुछ ना कुछ बारिश हो ही रहा है, दिख ही रहा है अपने को। अभी हम ऐसे वॉक कर रहे हैं, जो जो स्पॉट्स आ रहे हैं, लाइक आई सेंटर में हमें बताया गया था कि इन इन जगहों में जाओ, इनवरनेस में यहाँ यहाँ इन ऐसे ऐसे स्पॉट्स है, लाइक कैथेड्रल लेक हो गया, फिर म्यूज़ियम हो गया था, फिर अभी हाँ, और बाकी सब तो ये लाइक इतना खूबसूरत है कि चलते चलते भी मज़ा आ जा रहा है, मतलब ऐसे नहीं कि कोई स्पॉट्स में कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन में ही जाके देखना है। पिछले 45 मिनट से हम चल रहे हैं, दीपा ने मुझे कहा था कि गाड़ी ले लो चले जाएंगे, हम एक्चुअली एक आइलैंड की तरफ जा रहे हैं, ये रिवर के बीच में एक आइलैंड है, ऐसा कुछ होगा शायद, पता नहीं, वो उधर बस बोट था और आई सेंटर में कहा था कि आइलैंड की तरफ जाना अच्छा है, हम बस चल रहे हैं, लेकिन मैंने ऑब्जर्व नहीं किया कितना डिस्टेंस है और लास्ट 45 मिनट्स हम चले जा रहे हैं, पर चलने का भी अपना ही मज़ा है। नेचर को जितना इस उम्र में एंजॉय कर पाओगे शायद 40 में भी कर सकते हो, 50 में भी लगभग कर सकते हो, बट सिंस यू आर यंग जस्ट स्टे आउट ऑफ द हाउस, जितना हो सके उतना देखो बाहर कैसा, क्योंकि हमने एक टाइम और घंटा कुछ करना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हमें एक दिन तो मरना ही है भाई, तो उससे पहले कर लो, अब तुम्हें जो मन करे वो करो, लेकिन सेंसिबली करो। आज जिधर जाना है वो यहाँ से 1.5 घंटे का डिस्टेंस है और मैं चाहता हूँ आज उजाले के उजाले में ही पहुँच जाए, तो ये स्पॉट करेंगे और फिर यहाँ से गाड़ी जहाँ पार्क किया है। अच्छा हाँ, बाय द वे एक चीज़, पार्किंग का इधर सीन है, पार्किंग हमें यहाँ पता नहीं फ्री पार्किंग किधर है वगैरह, तो और टाउन के अंदर जगह ही कम था, तो मैंने मर्क्यूर होटल के रिसेप्शन में जाके पूछा, तो उन्होंने बोला उधर पार्क कर दो आप, 1 घंटे का 1 pound लेंगे, तो महंगा है बट देन अभी कोई चॉइस था नहीं, हमें टाउन देखना था, तो फिर 2 pound दिया मैंने उन्हें, अभी बचा शायद 1-2 pound और देना पड़ेगा। तो अभी हम आइलैंड में ही हैं, छोटा सा है आइलैंड और ऐसा नहीं है कि कुछ खास है,
नॉर्मल है, बट हाँ अच्छा है, क्या बोलेंगे, एक लाइट्स वाइट्स लगा है शायद शाम को तो अच्छा लगेगा, जस्ट बिकॉज ये रिवर से थोड़ा बाहर है तो आइलैंड, मतलब रिवर के बीच में है तो आइलैंड है, इट्स नॉर्मल, मतलब ठीक है, ऑब्वियसली बाहर भी खूबसूरत है, अंदर भी खूबसूरती है, तो बट ऐसा कुछ नहीं है कि आइलैंड है तो इधर कुछ अलग से बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल ही है। अभी हम लोग क्या था, विक्टोरिया सीक्रेट निकल रहा है, विक्टोरिया मार्केट में है, विक्टोरिया मार्केट शायद जो भी है मैं पता करता हूँ। हमें शॉपिंग करना है, शॉपिंग इन द सेंस पानी लेना है और क्या लेना है, बटर लेना है और हाँ ब्यूटेन का कैंस लेना है, ब्यूटेन कैंस। तो हम कोई ग्रॉसरी स्टोर ढूंढ रहे हैं, जहाँ भी मिलेगा धमकेंगे और लेके जाएंगे। एग एंड क्रस 1.7 पाउंड्स। ऑनियन भाजी कितने का है, ऑनियन सारे मसाला वगैरह सब इधर है, इंडियन पाकिस्तानी मसाला सारे रीजनेबल प्राइस पे ही है, 1 पाउंड 2 पाउंड 3 पाउंड पे, इट्स ओके। ये थोड़ा चाइनीज काउंटर, लोग दुबई से काफ़ी कुछ लेके आए, राइस दाल और कुछ कुछ मसाले रेडी टू ईट सब्जियाँ, बट आई डोंट थिंक सो ज़रूरत है वहाँ से लाने का, क्योंकि ऑलमोस्ट चीज़ें मिल रहे हैं इधर तो, और रीजनेबल प्राइसेस पे ही है, तो जैसा कि दिख रहा है तो अननेसेसरी वेट कैरी करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमने मॉडरेट लिया, वैसे ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि मुझे लगा देखेंगे इट शुड बी ओके फाइन, आई मीन इट्स नॉट अ लॉस, बट देन क्यों आप थोड़ा ज़्यादा पकड़ के आओगे। दूध लेना है क्या, नहीं ना, दूध क्या करेंगे, पानी पानी का बड़ा बॉटल है, पापा डम्स फूड टीवी, पापा डम्स। अभी निकल रहे हैं हम इनवरनेस टाउन से अपने नेक्स्ट स्टॉप के और, सो ऑफिशियली और दी NC500 रूट बिगिंस।